सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि महरूम शहीद शेख सईद बावजीर के भाई जिसका नाम हसन बावजीर है, उन्होंने जो है आज हाई कोर्ट के सामने ठहर कर मीडिया के सामने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। उनका ये कहना है कि कोर्ट की जानिब से इनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया, जैसे कि इनके भाई का कत्ल हो गया था, फिर बाद उसके जो है हसन बावजीर भी वीडियो बना रहे थे, अब इनकी भी जान को भी खतरा था, जिसकी वजह से इन्होंने प्रोटेक्शन मांगा है और जो है हाई कोर्ट ने इनको प्रोटेक्शन दे भी दिया। तो तफसीलात हम आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं हसन बावजीर की जुबान। मैं शेख हसन बावजीर, मरहूम शेख सईद बावजीर का छोटा भाई। मैं हाईकोर्ट के अंदर जो है सो कल फाइल करे थे सीबीसीआईडी के वास्ते और पुलिस प्रोटेक्शन के वास्ते। हमारे सीनियर एडवोकेट रघुनाथ साहब है, फरहान खान एडवोकेट है, दोनों एडवोकेट थे और एडवोकेट भी है इसके साथ, दो जनों के नाम बोल रहा हूँ और एडवोकेट है। वकील साहब को टाइम नहीं मिलने की वजह से बहुत देर हो गया, मगर वकील साहब ठहरते कि अल्लाह का शुक्र है। जज साहब जो है सो पुलिस प्रोटेक्शन का ऑर्डर दे दिए, पुलिस प्रोटेक्शन दियो बोल के सीबीसीआईडी को, पुलिस क्यों दो हफ्ते का टाइम दिया इंक्वायरी, जो पुलिस करे भी है इंक्वायरी, दो हफ्ते का टाइम दिए जज साहब के ऊपर, जज साहब को पहुंचाने के वास्ते। जज साहब उसके बाद सीबीसीआईडी को भी जाएगा कि मैं शुक्रगुजार हूँ वकील साहब का। हमारे जो सीनियर एडवोकेट है, ह्यूमन राइट्स के सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने अपना कीमती वक्त जो है सो निकाल के मेरे वास्ते आए यहाँ पे। वकील साहब आके जो है सो अपना काम कर, मेरे वास्ते आके आर्गुमेंट करके चले गए, उन्होंने आना बस वही था मेरे वास्ते, उन्होंने आके अपना काम करके चले गए। पुलिस को बोल रहा हूँ खास तौर पे, जो पुलिस जज साहब को देने का है इंक्वायरी जो है सो बराबर देंगी इंशाल्लाह। जो हुआ आज पुलिस का प्रोटेक्शन जो मिला, मैं शुक्रगुजार हूँ जज साहब का और वकील साहब का। और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो बेल कैंसिल को डाले हुआ हूँ, इंशाल्लाह थोड़े दिन में उसका भी फैसला आएगा, और चार जनों की जो डालने वाला हूँ उसका भी फैसला आएगा। जोन जोन खातिर लाए बराबर फिर से जेल को भी जाऊंगा इन लोगों को, इन लोग समझे केस हो गया खत्म ही नहीं, गरीब है कुछ भी नहीं कर सकता, इंशाल्लाह फिर से जेल को भी जाऊंगा, अल्लाह मेरे साथ है। जालिमा जो है सो जुल्म करने तैयार है, अल्लाह ताला मेरे साथ है, इसीलिए अल्लाह का शुक्र है अब तक कुछ भी नहीं हुआ। परसों जो केस में एग्रीमेंट दिया FIR आज तक नहीं मिली उसकी, पुलिस क्या कर रही, जब पुलिस जो है सो तेलंगाना हुकूमत जो है सो KCR की हुकूमत थी, पुलिस कुछ भी नहीं करी, कांग्रेस हुकूमत आ गई अब तो अभी भी पुलिस वही काम करेंगी पुराना पुलिस का। पुलिस को बोल रहा हूँ जब मैं एक्लाइमेंट ले लिया, पुलिस का काम है उन लोगों को ढूंढ के FIR देना, पुलिस FIR नहीं दी अब तक, कब देती FIR उन लोगों की, अटैक हो गए बाद FIR देती क्या पुलिस। पुलिस को बोल रहा हूँ बाबा उन लोगों को मिलना, नहीं तो हाई कोर्ट में फिर उनका डालूंगा। मैं बोल रहा हूँ पुलिस को खास तौर से, उनका जो है सो जोन जोन लोग आते उनकी साजिश कौन करे उनको पकड़ो, जो रमजान ग्राउंड के अंदर लगाए उनकी साजिश करने वालों को पुलिस को बोल रहा हूँ पकड़ लो उन लोगों को, जो केस आए वो बुक करो कानूनी तौर पे। अगर पुलिस इससे पहले FIR जो है सो नहीं देना, एग्रीमेंट नहीं देने से अटैक हुआ, अगर पुलिस इसमें अगर उन लोगों को छोड़ देंगी तो फिर से कुछ भी होता है इसकी जिम्मेदार पुलिस रहेंगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज। डरिए डरिए, अब आपको जो प्रोटेक्शन मिला क्या सिक्योरिटी मिली जी, उसकी तफसीलात क्या है? हाई कोर्ट के अंदर जो है सो मैं कुछ लोगों से मैं केस लड़ रहा हूँ बोल के मैं कुछ लोग जो है सो टॉर्चर कर रही जी, तो इसीलिए मैं हाईकोर्ट में। ऑर्डर क्या मिला आपको अभी प्रोटेक्शन के ताल्लुक से? पुलिस प्रोटेक्शन दिए जज साहब जो है सो, शाम 5 बजे तक जो है सो ऑर्डर आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ऑर्डर दे दिए जज साहब सीबीसीआईडी के वास्ते, दो हफ्तों का टाइम दिए, अगर दो हफ्तों में पुलिस नहीं देंगी तो सीबीसीआईडी को जज चल जाएगा इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में 26 तारीख की डेट बता रही, 26 तारीख पुलिस प्रोटेक्शन बोले तो आपके साथ कुछ साथ भी मेरे भी घर के पास भी रहेंगे इंशाल्लाह। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क्याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालदेन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लास रूम में आपकी बच्चियों की तालीम तरबियत हुस्न अखलाक हिफ्ज कुरान करीम और स्पोर्ट्स के तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।